सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको पाठ 8 चूहों की धमा चौकड़ी पढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको इसकी शब्दार्थ समझाती हूँ। झुरमुट, झुरमुट क्या होता है? पेड़ों का समूह। श्राद्ध, श्राद्ध क्या होता है? हिंदू जो अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए शास्त्र विहित कर्म करते हैं, उसको हम श्राद्ध कहते हैं। पोटली, छोटी गठरी, चेतावनी, किसी आने वाले खतरे से सचेत करना। दुविधा, अनिश्चय की स्थिति। सबसे पहले बच्चों हम ये देखते हैं कि ये कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी व्यक्ति को बिना देखे या उससे बिना मिले उसके बारे में कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। संभव है कि उस व्यक्ति का स्वभाव हमारी धारणा के विपरीत हो। लड़कों ने बूढ़े सज्जन को अपने व्यवहार से चिढ़ाने और क्रोधित करने का हर संभव प्रयास किया, परंतु लड़कों की आशा के विपरीत बूढ़े सज्जन लड़कों की इस उच्च श्रृंखला पर मुस्कुराते रहे। यानी कि लड़के दंगा मचाते रहे, उन्हें परेशान करते रहे, लेकिन जो बूढ़े सज्जन थे वो उनको अनदेखा करके मुस्कुराते रहे। अब देखते हैं कि इस कहानी में क्या बताया गया। आधी छुट्टी होते ही लड़कों का झुंड पेड़ों की झुरमुट में खड़े होकर बतियाने लगा। सभी लड़के इस बात पर सहमत थे कि जो नए अध्यापक स्कूल आने वाले हैं उनसे वे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इस कहानी में क्या है कि बच्चों की छुट्टी हो जाती है और वो क्या है, उस पेड़ के नीचे जाकर के खड़े हो जाते हैं और बात करने लगते हैं और वो कहते हैं कि नए अध्यापक हमारे आने वाले हैं लेकिन हम उनसे नहीं पढ़ेंगे। उन्हें उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगता था। अब जो नए अध्यापक थे उनका जो नाम था वो था काली कुमार तरकार लंकार। अब छुट्टियां हो गई, छुट्टी होने के बाद बच्चे जो थे वो अपने अपने घर चले गए और जब छुट्टियां खत्म हो गई तो रेलगाड़ी में बैठ करके वो स्कूल वापस लौटने लगे और रास्ते में ही कुछ कविता भी गा रहे थे। जैसे ऊंची नीची आवाज में वे मजे ले लेकर गा रहे थे, हम नए अध्यापक से बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, कविता वो बोल रहे थे। इतने में ही गाड़ी जो है एक छोटे से स्टेशन पर रुक जाती है और वहां पर एक बूढ़े सज्जन उनको गाड़ी में चढ़ते हुए उनको देखते हैं और उनके पास क्या था, मिट्टी की 3 हंडियां थी, एक बिछौना था और मुंह कपड़े से बंद था। साथ में क्या था, 3 का एक ट्रंक था और छोटी बड़ी पोटलियां थी। तो लड़कों के एक समूह में एक शरारती लड़का था, बिच्छू का नाम था उसका, और उसने क्या बूढ़े को जब देखा तो वो कहने लगा कि आप यहाँ से उतर जाओ, इस गाड़ी के अंदर जगह नहीं है। लेकिन बूढ़े आदमी ने कहा कि बहुत भीड़ है, कहीं जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं एक कोने में बैठ जाऊंगा, तो मैं परेशान नहीं करूंगा। और वो सीट पर ही अपना सीट के नीचे फर्श के ऊपर बिछौना बिछाया और उस पर बैठ गए। लड़कों ने पूछा कि इस पोटली में क्या है और कहाँ श्राद्ध करने जा रहे हो, तो बाबा कहते हैं, बूढ़े सज्जन जो है वो बोलते हैं कि श्राद्ध, किसका श्राद्ध करूँ, तो जो बिचुकन है वो कहता है काले कुमड़े का, हरी मिर्च का, वो श्राद्ध करने के लिए बोलते हैं। वो क्या मजाक कर रहे होते हैं, कविता बोलते हैं साथ में, हरी मिर्च और काला कुमड़ा जो बैठा है हो जाए खड़ा, वो कविता सी गाने लग जाते हैं। और जब एक बार स्टेशन से आ जाता है, रास्ते में आसन टोल स्टेशन का नाम है, और वो क्या बूढ़े सज्जन वहाँ पर स्नान करने के लिए उतर जाते हैं। और जब बूढ़ा व्यक्ति, जब बूढ़ा सज्जन है वो वापस जब लौटता है तो बिचुकन उसको कहता है कि इस डिब्बे से उतर जाओ, इसी में ही आपकी भलाई है। तो बूढ़े सज्जन है वो कहते हैं कि ऐसा क्यों, तो यहाँ डिब्बे के कुछ चूहों को बड़ा कष्ट होता है। जो बिचुकन है वो कहता है कि इस डिब्बे में बहुत सारे चूहे हैं, उनको बहुत कष्ट हो रहा है, वो बहुत परेशान हो रहे हैं। तो जो बूढ़े सज्जन है वो कहते हैं चूहे इस डिब्बे के अंदर, देखिए ना चूहों ने आपकी जो हंडियां हैं उसमें घुस करके क्या धमाल कर दिया है, कि कैसे आपकी जो हंडियां हैं उनको खाली कर दिया है। रसगुल्लों से जो भरी हंडियां थी वो भी खाली हो गई और जो मीठी खोए का जो दाना था वो भी नहीं बचा, वो सारे चूहे खा गए। तो पोटली को खोजते हुए बिचुकन झट बोल उठा, पोटली जो थी बूढ़े सज्जन की उसको ढूंढ रहा था और बिचुकन उसको देख करके बोला कि और आपकी पोटली में न जाने पता नहीं क्या क्या था, उसको तो सब चूहे लेकर के खा गए, उसको लेकर के भाग गए। अब बूढ़े सज्जन को ध्यान आया कि उसमें तो उनके बगीचे के 5 पके हुए रसीले आम बंधे हुए थे, तो बूढ़े सज्जन को याद आ गया कि मैंने तो इसमें आम रखे थे। तो बूढ़े सज्जन ने हंसकर कहा कि लगता है कि चूहों को बड़ी भूख लगी हुई थी।
बिचुकन ने कहा, कहा चूहे तो बिना भूख के भी सब चट कर जाते हैं। तो बिचुकन जो लड़का है वो बोलता है कि अगर भूख नहीं हो ना तभी चूहे तो सब कुछ खा जाते हैं, और बच्चे क्यों पीछे रहते। सभी कह लगे हाँ हाँ ऐसा ही है, कुछ और भी उन्हें मिलता तो भी चट कर जाते, अगर पोटली के अंदर और कुछ रखा होता तो वो भी खा लेते। तो बूढ़े सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी भारी भूल हो गई, अगर मालूम होता कि गाड़ी चूहों से भरी पड़ी है तो उनके लिए कुछ और भी ले आता। तो बूढ़े सज्जन को मुस्कुराते हुए देख करके लड़के झेप कर छुप हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि गुस्सा करते तो मजा आ जाता। जो बिचुकन था वो चाहता था कि जो बूढ़े सज्जन वो हम पर गुस्सा करें, लेकिन जो बूढ़े सज्जन थे वो मुस्कुराते रहे और उनसे मजे लेते रहे, लेकिन उन्होंने गुस्सा नहीं किया। वर्धमान स्टेशन पर उतरकर जब दूसरी गाड़ी पकड़ने का समय आ गया तो बूढ़े सज्जन बोल उठे कि इस बार तुम्हें कष्ट नहीं दूंगा, अब की बार किसी दूसरे डिब्बे में चढ़ जाऊंगा। कि स्टेशन आया वर्धमान स्टेशन, वो वहां पर उतरने वाले थे, लेकिन बच्चों ने कहा कि मैं तुम्हें गाड़ी से उतरने नहीं दूंगा, सो हो अब होने का नहीं, आपको अब की बार भी हमारे ही डिब्बे में चलना होगा, आपकी पोटलियों में अगर अब भी कुछ बचा है तो हम सब बराबर से पहरा देंगे, अब की कुछ भी चूहों को खाने नहीं देंगे। तो बच्चे बोलते हैं कि अब हम आपकी पोटली में कुछ है तो हम कुछ नहीं खाएंगे और उसको चूहों से भगा देंगे। बूढ़े सज्जन को लड़कों की जिद के सामने झुकना ही पड़ा। थोड़ी देर बाद डिब्बे के सामने एक मिठाई वाले का ठेला आकर रुक गया। बूढ़े सज्जन ने मिठाई का दोना हर एक को पकड़ाते हुए कहा, इस बार चूहों की दावत में कोई गड़बड़ नहीं होगी। जब बूढ़े सज्जन थे उनके सामने उनको झुकना पड़ा और एक अचानक से क्या आ गया, मिठाई वाले का ठेला आ गया। तो बूढ़े सज्जन ने मिठाई खरीद करके बच्चों को दी। लड़कों ने खुशी से हुर्रे कहा और मिठाई पर टूट पड़े। मिठाई वाले के बाद आम वाले की बारी, भला आम भी कहाँ बचने वाले थे। ऐसे ही आम वाले की ठेली आई तो उसे आम खरीद करके बच्चों को दे दिए। लड़कों ने खोज खबर लेते हुए पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं। तो लड़कों ने बूढ़े सज्जन से कहा, आप कहाँ जा रहे हो। तो बूढ़े सज्जन ने कहा कि मैं रोजगार की तलाश में निकला हूँ। तो लड़कों ने पूछा, आपको कौन सा काम आता है। तो उसने कहा कि मैं टूना पंडित हूँ और संस्कृत पढ़ाता हूँ, बूढ़े सज्जन ने उत्तर दिया। तो लड़के बहुत खुशी से उछल पड़े और उन्होंने कहा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे स्कूल में आकर के हमें पढ़ाइए। तुम्हारे स्कूल वाले भला मुझे क्यों रखेंगे। जो बूढ़े सज्जन है वो कहते हैं कि जो तुम्हारे अधिकारी हैं वो मुझे क्यों रखेंगे। रखेंगे कैसे नहीं, हम अपने यहाँ किसी ऐरे गैरे को थोड़े ही ना आने देंगे। तो वो कहते हैं हम कोई अच्छे से अध्यापक को ही हम संस्कृत पढ़ाने के लिए रखेंगे, कोई बेकार अध्यापक को नहीं रखेंगे। तुमने तो मुझे इस दुविधा में डाल दिया, अगर तुम्हारे स्कूल के अधिकारी मुझे पसंद ना करे तो। तुमने वो बच्चों से कहता है कि तुमने तो मुझे परेशानी में डाल दिया, अगर तुम्हारे स्कूल के अधिकारी मुझे पसंद नहीं करे तो पसंद ना करने का प्रश्न ही नहीं उठता, पसंद ना करने पर हम स्कूल छोड़ देंगे। अच्छा बाबा तब तो तुम ही ले चलो, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बूढ़े सज्जन क्या कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो गाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी और वहाँ स्वयं स्कूल के जो सेक्रेटरी बाबू आए थे, बूढ़े सज्जन ने देखते ही उन्होंने आगे बढ़कर उनके पांव छुए। उन्होंने देखा कि जब बूढ़े सज्जन उनके बच्चों के साथ आए हैं तो उन्होंने आगे आकर के अधिकारी ने उनके पांव छू लिए और प्रणाम करते हुए बोले, आइए तर्कालंकार महाशय, आपके रहने का सब इंतजाम हो गया है। कि वो क्या कहते हैं बूढ़े सज्जन से कि आप आओ और आपके रहने का प्रबंध हमने कर दिया है। बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे किसी दूसरे के बारे में धारणा नहीं बनानी चाहिए। वो व्यक्ति कैसे हैं, देखो पहले उन्होंने कहा कि हमारे नए अध्यापक आ रहे हैं, कौन से, काली कुमार तर्कालंकार, और वही अंत में कौन आए, तर्कालंकार महाशय ही हैं। और आप उन्होंने क्या किया, बच्चों ने कहा कि हम तो स्कूल में नहीं आने देंगे, और अंत में भी वही आए। तो हमें दूसरे के बारे में पहले से ये नहीं सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति कैसा है।